जैसे ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत का परचम लहराया, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने साथ अरविंद केजरीवाल की एक फोटो ट्वीट कर मानो इस बात का ऐलान कर डाला कि आपकी जीत में उनकी कितनी निर्णायक भूमिका है। पर आपसे जुड़े सूत्र खुलासा करते हैं कि केजरीवाल ने पीके की हर सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। जैसा कि पीके चाहते थे, केजरीवाल जेएनयू जाएं, शाहीन बाग जाकर वहां धरना दे रही महिलाओं को अपना नैतिक समर्थन दें, वे जामिया के छात्रों के बीच जाएं, पर केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। सियासत के माहिर खिलाड़ी केजरीवाल जानते थे कि उनके ऐसा करने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ये एडवांटेज बीजेपी को हवा देने जैसा हो जाएगा। पर पीके और उनकी टीम के बूथ मैनेजमेंट पर केजरीवाल ने आंख मूंद कर भरोसा किया। पीके की टीम बूथ दर बूथ मॉनिटर कर रही थी कि कहां कितनी वोटिंग हो रही है और आपके पक्ष में कैसी वोटिंग हो रही है। एक ही को डर था कि दिल्ली भी कहीं पंजाब ना हो जाए, जहां इतनी हाइप के बाद भी आप लुढ़क गई थी। सो जैसे ही पीके को लगा कि लगभग 2 दर्जन बूथ पर दोपहर तक आपके पक्ष में कम मतदान हुआ है, उन्होंने आपके कार्यकर्ताओं को लोगों के घरों तक दौड़ा दिए, जो दोपहर बाद उन्हें बूथ तक खींच लाए और आखिरी चरणों तक आपके वोटों में 17% तक का उछाल देखने को मिला। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।